मैम जंतर मंतर में है हम, और ये प्रोटेस्ट जो हो रहा है किस चीज़ को लेके हो रहा है? ये जो प्रोटेस्ट है दरअसल जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, जैसे जो भीमा कोरेगांव का मामला हो गया है, दिल्ली राइट्स का मामला हो गया, तो उनकी रिहाई को की मांग करते हुए हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। जितने भी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं दिल्ली में और वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सभी लोग आज आए हैं उनके रिलीज़ को लेकर मांग करने के लिए। और इसके साथ ही जो बढ़ता स्टेट ऑपरेशन है और डिसेंटिंग और प्रोग्रेसिव वॉइसेस पे जो दमन हो रहा है, उसके ऊपर हम लोग मांग करने आए हैं कि भाई इसको बंद करा जाए। और जैसे वर्कर्स पे जो ऑपरेशन हो रहा है, या फिर आप देख लीजिए किसान आंदोलन में किस तरीके से स्टेट का क्या रोल रहा है, ऑपरेसिव रोल रहा है, फिर आप उड़ीसा में देख लीजिए कि उड़ीसा में किस तरीके से आदिवासियों को उनके ज़मीन से हटाया जा रहा है, पूरा लैंड डिस्प्लेसमेंट का मामला है वहाँ पर। और कर्नाटका में भी देख सकते हैं कि कैसे सरकार की गुंडा वाहिनी जो है वो बच्चों के बीच में भगवा साफे बांट रही हैं। तो ये सारे जो हैं स्टेट ऑपरेशन के कई सारे फॉर्म्स हैं, और एक तरीके से फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन जो बूर्जुआ डेमोक्रेसी जो राइट्स हम लोग को कॉन्स्टिट्यूशन देती है, उन पे तो हमला हो ही रहा है। अपना नाम बताएंगे एक बार? हाँ, हमारा नाम विदुषी हुआ। हम लोग मैं स्टूडेंट तो नहीं रही, मैं ट्रेड यूनियन एक्टिविस्ट हूँ, और इफ्टू सर्वहारा हम लोग के संगठन का नाम है, IFTU सर्वहारा, तो उसी से आई हूँ मैं। तो मेन किसकी रिहाई के लिए मांग हो रही है? मतलब रिहाई जितने भी भीमा कोरेगांव में कैद लोग हैं, आप जानते ही उनके नाम क्या है, रोना विल्सन है, वर्नॉन गोंजाल्वेस हैं, अरुण फेरेरा हैं, जितने भी तमाम कैदी हैं भीमा कोरेगांव केस में, और इसके साथ ही जो दिल्ली रायट्स में भी आप देख रहे हैं, उमर खालिद हैं, मिरान हैदर हैं, और कश्मीर में भी जर्नलिस्ट को अभी UAPA लगाया गया, उन लोग के भी ऊपर, उन लोग को भी जेल में बंद करा जा रहा है, और तमाम फॉर्म ऑफ स्टेट ऑपरेशन जो वर्कर्स, स्टूडेंट्स, यूथ्स, आदिवासी, वुमेन, सब पे जो हो रहा है, उन सब के खिलाफत तो में मतलब एक पॉलिटिकल प्रिजनर्स को लेके, उनकी रिहाई को लेके और मुद्दे भी हैं इनके साथ ही। पॉलिटिकल प्रिजनर्स मतलब ही, जब आप कभी भी अपने राइट्स को लेकर आप कहीं धरना करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, या स्टेट से उसके खिलाफ, मतलब स्टेट से उसके लिए आप मांगने जाते हैं, तो आप पे क्या होता है, अरेस्ट होता है, रिटेंशन होता है। आज हम लोग आए हैं उसके लिए भी तमाम हम लोग को पुलिस को इंटीमेशन देना पड़ता है अपना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को एक्सरसाइज करने के लिए, नहीं तो पुलिस हम लोग को डिटेंशन कर देती है हम लोग का। तो ये सारे फॉर्म्स दरअसल एक स्टेट ऑपरेशन के ही अलग अलग तरीके हैं करने का। यहाँ पे सब जो आए हुए हैं सब स्टूडेंट्स हैं या फिर स्टूडेंट मैंने बोला स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस और जो ट्रेड यूनियंस हैं, दोनों ही आए हैं यहाँ पे। स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस है, यूथ के बीच में जो काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशंस है, वो सब है, सारे यही मांगे हैं। इनके अलावा भी कुछ हो रहा है? नहीं, हम लोग का वही मुख्य मांग है, रिलीज ऑफ ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर्स, और जो बढ़ता स्टेट ऑपरेशन है राइट टू डिसेंट के ऊपर, या प्रोग्रेसिव और डेमोक्रेटिक सेक्शंस के ऊपर जो बढ़ता स्टेट ऑपरेशन है उसके खिलाफ में। हाँ, मैं DU में स्टूडेंट हूँ, मोतीलाल नेहरू कॉलेज में। हाँ, तो इस प्रोटेस्ट के बारे में पता आपको? मुझे पता है कि ये UAPA जो एक कानून है उनके अंदर जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनके रिलीज़ के लिए ये एक स्ट्राइक किया गया है। मैं आके देख रहा हूँ कि यहाँ पे क्या चल रहा है, मैं अभी पहली बार आया हूँ। आप भी नए हो यहाँ पे? हाँ जी, चलिए ठीक है, धन्यवाद।